अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 59 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। आपके पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं तो आप उनको ग्रुप कैसे कर सकते हैं, अनग्रुप कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड कैसे कर सकते हैं, सेटिंग्स ये क्या है, मई द ऑब्जेक्ट है, लेंथ है, स्केल, एंगल, रेडियस, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इन पर काम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ग्रुप, मैयर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। इनके ऊपर डिस्कस करेंगे बाद में ये क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप। ग्रुप का फंक्शन क्या होता है कि मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इस रेक्टेंगल ही ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अभी दोनों ऑब्जेक्ट अलग लगे हैं, मैं मूव करता हूँ तो देखें एक अलग से मूव हो रहा है, दूसरे को मूव करता हूँ दूसरा अलग से मूव हो रहा है, एम एंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ऑब्जेक्ट बन जाए, मूव करूँ तो दोनों साथ हों, डिलीट करूँ तो दोनों डिलीट साथ हों। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, सिर्फ ये डिलीट हो जाएगा। तो इन दोनों को ग्रुप करने के लिए आप यहाँ से ग्रुप का फंक्शन चूज़ करते हैं। ग्रुप के लिए आप क्या करेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करें तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, ग्रुप हो गए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं मूव करता हूँ तो दोनों मूव हो रहे हैं, मैं डिलीट करूँगा तो दोनों डिलीट हो जाएंगे, तो क्या हो गए, ग्रुप हो गए। अब इनको ग्रुप से ख़त्म करना है तो आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको अनग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप पे क्लिक करें यहाँ पे तो अब देखिएगा ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, अलग हो गए। मैं मूव करता हूँ ये अलग मूव होगा, दूसरे को मूव करूँगा दूसरा अलग मूव होगा। अनग्रुप के बाद आपके पास एक ग्रुप एडिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रुप में आ गए, ग्रुप आ गए, अब इन दोनों में एडिटिंग करना चाह रहा हूँ तो ग्रुप एडिट पर क्लिक करें, तो यहाँ पे क्लिक करें, ग्रुप में क्लिक करें, अब देखें ये दोनों ऐड ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑब्जेक्ट, रीनेम ऑब्जेक्ट, तो रिमूव करते हैं तो रिमूव हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट को रिमूव करता हूँ मैं ग्रुप में से, इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करता हूँ, तो अब देखिए अब क्या हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट ये वाला एक रह गया और ये अलग हो गया। मीन अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि ग्रुप में पड़े हुए हैं, इसको दोबारा इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इनको अनग्रुप करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक और रेक्टेंगल है, फॉर एग्जाम्पल एक और सर्कल है, ठीक, काफी सारे ऑब्जेक्ट बन गए। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सारे के सारे ग्रुप में डालता हूँ। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ग्रुप से हटा देना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें, ग्रुप एडिट पे क्लिक करें, करने के बाद आप कौन से ऑब्जेक्ट को, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, इसे ऐड ऑब्जेक्ट, मतलब आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करें तो ये ऐड हो जाएगा ग्रुप में। अगर आपने ग्रुप में नहीं डालना तो दोबारा क्लिक करता हूँ मैं इसको, अभी तो ये ऐड ही है, ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, अब मेरे पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है, तो इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इस ग्रुप के साथ, तो मैं ग्रुप एडिट पर क्लिक करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक करता हूँ, अब देखें ये भी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ग्रुप के साथ ऐड हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहा हूँ ग्रुप से, तो रिमूव कर सकते हैं आप, क्लिक करें इसको और ऐड ऑब्जेक्ट पर रिमूव ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहा हूँ, क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अब ये देखें ये अलग हो गया ग्रुप से और वो ऑब्जेक्ट अलग हो गए ग्रुप के वाले, देख सकते हैं। उसके बाद आप ग्रुप सिलेक्शन है क्लिक करें तो हर एक देखें अलग अलग से सिलेक्ट हो रहे हैं। आप ग्रुप सिलेक्शन को एक्टिव करते हैं सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट होंगे और इनको आप मूव कर सकते हैं, ये ग्रुप आ गया। मेजर का बात यह है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस अपने मेजर करना है क्लिक करें तो डिस्टेंस डी आई एंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका कितना डिस्टेंस है, तो ये कितने है 12 है, देख सकते हैं डिस्टेंस आ गया। रेडियस आप करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं सारे सिलेक्ट करके अनग्रुप करता हूँ, पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका रेडियस में देखना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करें,
और इसका रेडियस देखना चाह रहा हूँ। तो देखिए रेडियस बता रहे हैं 3 फुट 4 इंच रेडियस है, डायमीटर 6 फुट 8 इंच है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेडियस और डायमीटर दोनों बता रहे हैं। एंगल है, एंगल मतलब मैं इन दोनों के बीच में एंगल देखना चाह रहा हूँ, तो मैं एंगल पे क्लिक करता हूँ। मैं कौन कौन से इस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक एंगल देखना चाह रहा हूँ, तो 90 का एंगल देख सकते हैं, एंगल इसने बता दिया। कंप्लीट एरिया देखना चाहते हैं तो एरिया भी बताएगा आपको, एरिया पे क्लिक करें तो जिसका एरिया देखना चाह रहे हैं यहाँ तक, फिर यहाँ तक आप इसका एरिया देखना चाह रहे हैं तो एरिया आपको बता रहा है, देखें 14.842 स्क्वायर है, 103.7 स्क्वायर फिट है, पैरामेट्रिक्स में हर चीज़ में आपको बता रहा है एरिया भी, जहाँ तक आप देखना चाहें। और वॉल्यूम देखना चाहते हैं आप, इसका हजम देखना चाह रहे हैं। वॉल्यूम बेसिकली 3D के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं इस पर अप्लाई करके देखता हूँ। अब देखिए हाइट मांग रहे हैं, तो हाइट इसकी नहीं है, ये 3D के लिए यूज़ होता है वॉल्यूम। तो अब 3D में जब काम करें तो आप उसमें वॉल्यूम भी देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। तो ये था जी आपका मेजर, आप कैसे कर सकते हैं। और इसमें भी क्विक सिलेक्ट है, क्लिक करें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एकदम से सिलेक्ट हो जाएगा, लाइन टाइप है एंटर, जो भी चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, सिलेक्ट आ रहे सारे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे देखें। और उसके बाद है क्विक कैलकुलेटर, आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करें और आप यहाँ से कैलकुलेटर आपका सामने ओपन हो जाएगा, आप अपने ऑब्जेक्ट में कैलकुलेशन भी यहीं पे कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका ग्रुप एंड ग्रुप और यूटिलिटीज़ पे हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।